हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि कर्ज लेकर खट्टर सरकार चल रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने खट्टर सरकार के पांचवें और आखिरी टैक्स फ्री बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया। कांग्रेस किस आधार पर ये तमाम चीजें कह रही है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। ने आज पांचवा और आखिरी बजट पेश किया है, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनसे जानते हैं। जी हुड्डा साहब, निरस और दिशाहीन बजट है और जो पुरानी जिस नीति को चल रहे थे उसी पर है कि कर्जा लो, चारक ने कहा था ना, कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कौन लेगा? और हरियाणा का भट्टा ही बैठ जाए जब क्या कर्जा लेते रहेंगे। हुड्डा साहब, इसको टैक्स फ्री बजट बता रहे हैं। कर्जा ले गए, अब तो कर्जा लेके अपना घर चलाता है, टैक्स फ्री हो गया अपने आप, जरूरत ही नहीं फिर। हुड्डा साहब, कितना घाटा इससे बढ़ा है? कर्जा बढ़ाया और कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जब कर्जा घटाया जाए तो जनहित का कोई फैसला लिया जाए, जनहित का कोई फैसला नहीं। हुड्डा साहब, बजट के बाद कितना कर्ज हो गया देश? अब वो तो कैलकुलेट होगा जब इन्होंने क्या परसेंटेज बताई, जिस हिसाब से परसेंटेज बता रहे हैं उस हिसाब से कर्जा बढ़ाया ही है इन्होंने। इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था? वो तो हमारी सरकार आएगी जो बना के दिखाएंगे, पहले जैसे बेहतर बनाया बना देंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने कहा है कि ये जो बजट पेश किया है भाजपा सरकार ने, ये निराशाजनक है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज चंडीगढ़।